डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों जो सीखने वाले हैं लिटरेचर टर्म के कुछ क्वेश्चंस, फुल डिटेल्स, इनका जितना भी डिटेल्स है वो सब कंप्लीट करने वाले हैं। बने रहिए अंत तक। जो जो आज के जो क्वेश्चंस लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कहीं कहीं रिपीटेड क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में जो आते हैं, चाहे टी जी टी पी जी टी एल टी ग्रेड जो भी हैं एग्जाम्स इंग्लिश के, सब में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। स्पीड से क्वेश्चन जो हैं केवल आंसर को देखना है हमें, बाकी सबको ड्रॉप करते हुए चलेंगे, क्योंकि स्पीड में थोड़ा वर्क जल्दी हो जाए। तो पहले क्वेश्चन आपको बताना है, द लायन सी वाज अ वर्थली वुमेन एयर हेयर लिप्स द हाउस बर्न्स एट जस्ट डज डेयर सी हैंडल्स फाइव इन एग्जाम्पल्स। तो पहला ही क्वेश्चन आपको बताना है किसका एग्जाम्पल्स है। तो ये है, आपको बताना है अलायन, पहले तो आप समझ लीजिए, अलायन सी वाज अ वर्थली वुमेन इन एयर, प्रति वुमेन इन हेयर लिप्स, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये एग्जाम्पल हमारा है हेरोइक कपलेट का, ये एग्जाम्पल्स मेरा है हेरोइक कपलेट का, तो ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए समझ गए। हाँ, सेकंड क्वेश्चन हमें देखना है, सेकंड क्वेश्चन बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी बीट्स। तो आपको बताना है कि यूनिवर्सिटी बीट के ग्रुप में कौन सा इसमें से राइटर नहीं है, वो आपको बताना है। यूनिवर्सिटी बीट्स के ग्रुप से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। यस, तो यूनिवर्सिटी बीट्स की बात करें तो थॉमस किड जो है वो नहीं है, बाकी सभी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, यानी 50 तो पहले कवर कर चुके हैं, 51 से ही हमें कवर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 53 आपको देखना है, कार्टर सोनेट, कार्टर सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं, 11 लाइंस, 12 लाइंस, 13 लाइंस, 14 लाइंस। तो आंसर, व्हाट विल बी आंसर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन 11, कार्टर सोनेट 11 क्वेश्चन, 11 लाइंस, सॉरी। द टर्म इगोस्टिकल सबलाइम बार क्वाइंस, तो इगोस्टिकल सबलाइम है ये टर्म, किसने क्वाइंस किया, तो ये आपको बताना है। तो हम सबको जानते हैं, ये तो जॉन किट्स साहब का है इगोस्टिकल सबलाइम, जिन्होंने किट्स को, जॉन किट्स साहब ने इसको क्वाइंस किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 देखना है, वेदर सर थॉमस विट एंड एडप्टेड पेटार्कन सोनेट एंड पेटार्कनिज टू इंग्लिश साउंड एंड मीटर्स सॉरी वर्स ट्रेंड टू लुक बैक इन बियॉन्ड पेटार्कन टू द, तो इसमें कौन सा सही हो रहा है, फ्रेंच वर्स है, स्पेनिश है, इटालियन है, या फिर लैटिन है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर नंबर डी, यानी लैटिन वर्स। क्वेश्चन नंबर 56 आपको बताना, 56 द टर्म पार्टिकल क्रिटिसिज क्वाइंस बाय, तो पार्टिकल क्रिटिसिज को किसने क्वाइंस किया था, तो ए रिचर्डसन ने क्वाइंस किया था। नेक्स्ट के स्पेंसेरियन स्टेंजा, जो स्पेंसेरियन स्टेंजा है उसमें क्या होता है, इसमें कौन सा 4 एमबिक पेंटामीटर होते हैं, या 6 होते हैं, 8 होते हैं, या 10 होते हैं। तो ये हम सबको पता है, इसमें 8 एमबिक पेंटामीटर्स होते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हेयर। स्पीड से क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, केवल हमें क्वेश्चन को रिपीट करना है, यानी मतलब है कि हमें रिविजन करना है। चलिए, होमोनोम्स वाज वर्ड दैट, होमोनोम्स आर वर्ड दैट, होमोनोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है, नहीं बिल्कुल नहीं होती है, इनमें रेफर टू बोथ मेल एंड फीमेल ऐसा भी नहीं होता है, स्पेल्ड सिमिलरली बट हैव द डिफरेंस मीनिंग होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा करेक्ट है, सबको पता है इसमें क्या आता है, स्पेल्ड सिमिलरली, यानी जो कहने का मतलब है कि जो वर्ड तो अलग होगा बट उनको डिफरेंटली साउंड होगी, सिमिलरली साउंड होगी, डिफरेंट मीनिंग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं, 59 में, और क्वेश्चन नंबर 59 में बताना है, मेजॉरिटी एंड मिरेकल प्ले, मिस्ट्री एंड मिरेकल प्ले का संबंध किस से है, तो वो आपको बताना है, इंग्लिश फोकलोर से, इंग्लिश लेजेंड या बाइबिकल स्टोरीज से है। क्वेश्चन नंबर 59 का, तो मेस्टी एंड मिरेकल जो प्ले हैं वो हमारे बिलोंग करते हैं बाइबिकल स्टोरी से। अगला क्वेश्चन बताना है, द टर्म वुमेनिज इज द फर्स्ट यूज बाय, तो वुमेनिज टर्म है इसको फर्स्ट यूज किसने किया था, वो आपको बताना है। तो इसमें है जो वुमेनिज टर्म है हमारा, वो सबसे पहले यूज किया था एलन वॉल्कर ने, हो सकता है कहीं कहीं क्वेश्चन चिपका दिया जाए, तो बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 61 देखना है, 61 में ऑप्शन नंबर डी आपको बताना है, पिलग्रिज
इज़ द वेल नोन वर्ड एंड कॉन्सेप्ट इन द एकेडमिक क्रिटिकल्स। तो ये आपको वर्ड बताना है, तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखना है, विच आर द फॉलोइंग अदर्स टर्म ऑफ डिस्क्राइब आर्ट फॉर आर्ट से, जो टर्म है वो डिस्क्राइब किया था आर्ट फॉर आर्ट से, कौन सा टर्म को डिस्क्राइब करता है, तो ये ऑप्शन नंबर एंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 63 में देखना है, लिबरलिज्म एंड लिटरेचर, तो हु सेड, किसने कहा, तो ये हमें ऑप्शन बताना है, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, लिबरलिज्म एंड लिटरेचर, तो इसमें विक्टर ह्यूगो का जो है एक डिफिनीशन है। द एरर ऑफ एवेल्युएटिंग पोएम बाय द इमोशनल इफेक्ट्स अपॉन द रीडर्स इज नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 64 में ऑप्शन नंबर तो सी। यहाँ पर देखिए जो टर्म है इवेल्युएटिंग अ पोएम बाई इमोशनल इफेक्ट, इमोशनल इफेक्ट एंड रीडर्स जो पढ़ता है वो इफेक्टिव फैलसी पढ़ता है, उसको इफेक्टिव फैलसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ राइटर इज नॉट इंक्लूड इन कोकनी स्कूल, तो इसमें कौन सा नाम है वो कोकनी स्कूल में इंक्लूड नहीं होता है, तो वो आपको बताना है, कोकनी स्कूल की बात करें तो वो कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 में ऑप्शन नंबर सी, कॉलेज हैं वो कोकनी स्कूल से कोरिलेट नहीं करते हैं, उनका कोई इससे रिलेशंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बताना है 66 बताना, हु इज द फॉलोइंग इज नॉट इवेंट एंड द टर्म है स्प्रिंग रिदम, स्प्रिंग रिदम का जो टर्म है वो किसने इन्वेंट, डिड इन्वेंट द टर्म ऑफ स्प्रिंग रिदम, स्प्रिंग रिदम का टर्म किसने कोइंस किया, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन हमारा है जे एम हॉपकिंस। क्वेश्चन नंबर 67 में बताना, हु इज द फॉलोइंग इंडियन राइटर राइटिंग इन इंग्लिश हु डज नॉट बिलोंग टू इंडियन डायस्पोरा, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर आपने अगर चूज कर लिया है तो कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो रहा है डी, बी एस नेपाल। चलिए अगला क्वेश्चन हमें बताना है, अ पोएम इन विच अ सिंगल स्पीकर, सिंगल स्पीकर बस यहीं से आप कर लीजिए, सिंगल स्पीकर होता है क्रिटिसाइज मोमेंट एड्रेस एंड हु इज द प्रेजेंट इम्प्लीकेट इन व्हाट द स्पीकर्स वे, तो होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस पैराडॉक्स एंड टेंशन आर द क्रिटिकल टर्म इज प्रमोटेड बाय, किसके द्वारा प्रमोट किया गया ये टर्म वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको बताना है, आंसर नंबर है यहाँ पर ए, टेल एंड बुक्स जो कहानियाँ हैं और ब्रुक्स हैं वहाँ से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 बताना है, अकॉर्डिंग टू कॉलेज व्हाट इज डिसॉल्व डिफेंसेस डिसिपेंट इन ऑर्डर टू रिसेक्रेट इन द यूनिफाई, क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट है, सेकेंडरी इमेजिनेशन होता है, क्या होता है सेकेंडरी इमेजिनेशन होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 72 आपको बताना है, द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, तो ये तो सबको पता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें प्लॉट होता है, ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं, करेक्टर होते नहीं, थॉट एंड स्पेक्टिकल्स होते नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 आपको बताना है, डॉक्टर जॉनसन इन द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड पब्लिश इन द ईयर, तो किस ईयर में इनकी डिक्शनरी जो है पब्लिश हुई थी, तो सभी जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 73 तो ऑप्शन नंबर 3 सी इज राइट हेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 आपको बताना है, 74 में देखना, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ ग्रुप इन यूनिवर्सिटी वेट्स, कौन सा यूनिवर्सिटी वेट्स के ग्रुप का मेंबर्स नहीं है इनमें से, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 तो यहाँ पर देखिए पेन जॉनसन साहब जो है वो यूनिवर्सिटी वेट्स के ग्रुप में नहीं है शामिल। क्वेश्चन नंबर 75 आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म यूज द टर्म गायनो क्रिटिसिज्म फर्स्ट टाइम, किसने यूज़ किया, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर गायनो क्रिटिसिज्म की बात करें तो यहाँ पर है हमारे एलन सेल्टर, कौन है एलन सेल्टर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, द टर्म कैंपस नॉवल एसोसिएटेड विद, द कैंपस नॉवल जो है वो किससे रिलेटेड है वो आपको बताना है, कैंपस नॉवल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमें देखना है कौन सा सही है, विलियम गोल्डिंग है या ग्राहम ग्रीन है, मार्गरेट डिसेबल है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सही हो रहा है, किंगलेस एम्स। चलिए 77 क्वेश्चन नंबर 77 आपको बताना, फर्स्ट ट्रेजडी रिटन इन इंग्लिश, तो सबसे पहले ट्रेजडी का नाम क्या था, तो वो सबको पता है, गड़बड़ यूज़ है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक वीडियो अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
क्वेश्चन नंबर 78 बताना है, सोल ऑफ ट्रेजिडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो हमें बताना है, हालांकि हम बता ही चुके हैं कि प्लॉट होता है, ज़्यादा कुछ सोचने की इसमें जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 में आपको बताना है कौन सा आंसर सही है, डिक्शनरी। अब आपको बताना है डिक्शन का मीनिंग क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 79 में डिक्शन का मीनिंग होता है सेंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर। क्या होता है? सेंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर, ये हमें ध्यान रखना है। डिक्शन का मीनिंग होता है सेंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 80 आपको बताना है, इज नॉट मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप। कौन सा है जो ब्लूम्सबरी ग्रुप से रिलेशन नहीं रखता है, या कौन सा है जो उसका मेंबर नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जी बी शाह हैं, वो हमारे हैं ब्लूम्सबरी ग्रुप से कोई रिलेशंस नहीं रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 बताना है, हु इज़ द पायनियर ऑफ द एस्थेटिक मूवमेंट्स। हु इज़ द पायनियर ऑफ द एस्थेटिक मूवमेंट? वाल्टर पेटर, जॉन हेनरी न्यूजमैन, स्टेपसन या ऑस्कर वाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन देखिए आप, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर वाल्टर पेटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु इज द फॉलोइंग इज नोन एज द एफ्रोस्टिक प्रोज स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 82 को बताना है। तो एफ्रोस्टिक फोर स्टाइल तो है, तो यहाँ पर जो है फ्रांसिस बेकन्स आपका वो सही हो जाएंगे, क्योंकि एफ्रोस्टिक प्रोज स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। वन मिनट, चलिए यहाँ पर जो हमारे एप्रोस्टिक प्रोज स्टाइल है, इसके लिए कौन जाने जाते हैं? सॉरी वन मिनट, नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर फ्रांसिस वेकन्स सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फ्रेज डिसोकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज द फर्स्ट यूज द इलियट इन दिस इन इस। किस में यूज़ किया था डिसोलेशन ऑफ सेंसिबिलिटी? तो ये जो टर्म यूज़ किया था एसे ऑन द मेटाफिजिकल पोएट्स, इसमें यूज़ किया था टी एस इलियट ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 देखना है। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन द फेमस वर्क ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज द फेमस वर्क ऑफ। फेमस वर्क किसका है वो आपको बताना है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर आपको देखना है। तो यहाँ पर जो है एस रिचर्डसन है वो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 आपको बताना है। द वर्स दैट हैज नो सेट थीम नो रेगुलर मीटर रैम एंड स्टेंजा पैटर्न इज कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है जिसकी कोई रैम ना तो रेगुलर मीटर होता है ना तो रैम फिक्स होती है, तो उसको क्या कहेंगे? वर्स फ्री वर्स कहेंगे, जिस पर कोई बंधन ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 आपको बताना है। हु द फॉलोइंग स्पीच इन द करेक्टर रिवर्ट थॉट एंड ऑडियंस व्हाट नॉट अदर करेक्टर इन द प्ले। तो ये आपको बताना क्वेश्चन नंबर 87 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जब कोई नहीं होता है तो अकेला होता है, फिर क्या सोलिलोक्वी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्रेस द सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट सच एज प्लॉट एक्सपोजिशन ऑफ द फ्रेश होल्डिंग राइटिंग एक्शन क्लाइमेक्स फीलिंग्स दैट इमोशन। क्वेश्चन नंबर 88 वन मिनट, क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन हमारा सही है। तो वो आपको बताना है 88 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो 88 में हो वो फिक्शन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर आपको करना है कौन सा सही है। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग अ टर्म गिवन द फंक्शनल राइटिंग एंड द सेल्फ कॉन्सिक्वेंस एंड द सिस्टमेटिक ड्रॉन एंड अटेंशंस ऑन इट्स स्टेटस एज द आर्टिफिशियल इन ऑर्डर टू प्रोज क्वेश्चन विच ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? हालांकि झारखंड में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 89 में ऑप्शन हमारा अगर चूज करें तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द शॉर्ट ऑफ द शॉर्ट पोइम ऑफ द राइमिंग लाइंस रिटन इन एन टम्बस्टोन इन फ्रेज ऑफ द डिसेंट पर्सन्स एपिटाफ। कहने का मतलब है कि जो मर जाता है फिर शॉर्ट पोइम लिखी जाती है जो उसके एपिटाफ पे, तो क्या होगा? तो एपिटाफ ही होगा, एपिटाफ होता है किसी की कब्र पे लिखे हुए शब्द। बहुत तेज़ गर्मी है, इतनी मेहनत पड़ रही है हमें पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 हो, लाइट भी नहीं है, पसीना निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 बताना है। बेचारा फॉलोइंग इज अ पोएट्री फॉर्म ऑफ रिटन इन एट लाइंस ऑक्टिव इज लाइन कंसिस्ट आदर 10 11 सिलेबल एंड फॉलोइंग राइम स्कीम इन ABABABABCC। क्वेश्चन नंबर 81 आपको बताना है। 81 में तो अगर एट लाइंस हैं तो जैसे बात है ऑक्टिव राइमा है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 92 आपको बताना है पैथेटिक फैलेसी इज फ्रेज इनवाइट वाइप, तो पैथेटिक फैलेसी किसने इनवाइट किया वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर है जॉन रस्किन 1856, ये आपको डेट आपको याद करनी है, हालांकि जॉन रस्किन तो हमें सबको पता ही है। शब्बिस ट्री एंड सब ऑर्डिनेट एंड पैरेलल प्लॉट एंड प्ले अ स्टोरी दैट कंसिस्ट विद द मेन प्लॉट इज, क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर होता है जो प्लॉट के ऊपर भी प्लॉट होता है तो उसको क्या कहते हैं, सब प्लॉट कहेंगे, ज़्यादा तो कुछ है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में देख लेते हैं, व्हाट इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ पोएम्स विच हैज बीन अराउंड द 1000 इन द ईयर्स, जो 1000 ईयर्स हो जाती है उसको क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 94 में, तो इपिक पोएम कहा जाती है, यानी मतलब टाइप ऑफ पोएम विच हैज बीन अराउंड द 1000 ऑफ ईयर्स इपिक होता है वो। क्वेश्चन नंबर 95 देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट फिक्शन स्टोरी दैट इज प्रेजेंटेड टू टीच अ रिलीजियस प्रिंसिपल सिंपल ट्रूथ और मॉरल लेसंस, क्वेश्चन नंबर 95 में आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर होता है पैराबल होता है जो कि शॉर्ट वर्क होता है, शॉर्ट स्टोरी को। अब क्वेश्चन नंबर 96 बताना है, विच प्ले फ्लेचरिंग अ हीरो हु मस्ट ओवरकम इवेल्स वेयर द एलगोरिकल्स इन नेचर, क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर हमारा ज्यादा है मॉरलिटी प्ले, कहने का मतलब एलगोरिकल एंड नेचर होगा वो मॉरलिटी प्ले होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 आपको बताना, 97 द टर्म नेग्रेट्यूड किसने कॉइन किया है, क्वेश्चन नंबर 97 आंसर आपने चूज कर लिया है कौन सा है, तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 99 आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 99 में ऑप्शन कौन सा सही है क्वेश्चन वो आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल्स द रियल एडवेंचर इज एन अस्टिक एंड डिस्प्यूटेबल एंड, तो ये आपको बताना है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर, तो जाहिर सी बात है डिस्प्यूटेबल्स होता है, ठीक है, और स्पेनिश वर्ड पिकारो से ही आपने चूज कर लिया है, तो इसमें पिकारो इसके नॉवल ही होगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अ पोएम बिटवीन एन एपिक कन्वर्सेशन इज सब टर्टेड इज, तो उसमें कौन सा है, देखिए कन्वर्ट इपिक होता है और कन्वेंशन इन सब वॉट इज होगा, तो वो क्या होगा, मॉक हीरोइक इपिक होगा। तो गाइस क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जो वीडियो में कमी रह गई उसको भी हम बताएंगे। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग्स वीडियोज़।